महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से एक अभियान की तैयारी की जा रही है। अभियान चलाया जाएगा, इससे महिलाओं को सुरक्षित एहसास कराया जाएगा। ये पूरा अभियान क्या है, इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ डीडीजी मैम है। मैम, जो अभियान शुरू किया जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा के प्रति बहुत ही कटिबद्ध हैं और ये प्रदेश भर के सभी फील्ड ऑफिसर्स को इस बात का एहसास है और जानकारी है कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और उसी मिशन शक्ति के तहत हम ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम आगरा जोन में चला रहे हैं और पहले भी दो फेजेस हम चला चुके हैं जिसका बहुत ही सफल संपादन हुआ और संचालन हुआ और अभी हमने 8 दिवसीय कार्यक्रम सम्मिश्रित कार्यक्रम चलाया जिसमें हमने मिशन शक्ति, ऑपरेशन जागृति, महिला बीट पुलिसिंग और एंटी रोमियो एक्टिविटीज को अंडरटेक किया और इसका समाज पर एक बड़ा अच्छा असर आया है और आगे 3 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण नवरात्रि पीरियड के लिए महिला सुरक्षा अभियान मिशन शक्ति के रूप में लॉन्च करेंगे तो उस पर आगे जोन में पुनः कार्रवाई की जाएगी और हमारा ध्येय ये है कि हम महिला सुरक्षा और महिला जागरूकता इन ट्विन एम्स के साथ आगे बढ़ें और पिछले 1 साल में हमने बहुत चेंजेस महिलाओं की सोच में, जागरूकता में, एक सुरक्षा के वातावरण में, उनके सुरक्षा सुरक्षित फील करने के भाव में देखा है, बहुत पॉजिटिव चेंज और आउटलुक आया है और इसी को हम आगे ले जाते रहना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, सारे कर्मी इससे जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक मिसाल के रूप में स्थापित होगा। देखा गया मिशन जागृति जो आगरा जोन में चलाया जा रहा है उसके जो आंकड़े जो बताते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये किस तरह से बदलाव ये आए और कितना प्रयास करना पड़ा महिलाओं से संवाद करने के लिए उनके कन्वेंशन में? जी देखिए, इसमें संवाद हमने गांव-गांव, वार्ड और शहर सभी जगह जाकर किया और हमने जो डायरेक्ट संपर्क किया है कई लाख लोगों के साथ, मतलब 15 लाख लोगों से ऊपर हम डायरेक्ट संवाद कर चुके हैं इन इस जागरूकता कार्यक्रम में और हमने 4 बिंदु रखे थे ऑपरेशन जागृति के, जो एक्चुअल विक्टिम्स ऑफ क्राइम है उनको हम कैसे रीच आउट करें और उनको हम कैसे मुख्य धारा से जोड़ें और जो सरकारी उनके लिए प्रबंध है उनसे कैसे जोड़ें। दूसरा जो फेक रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसमें महिलाओं को प्रयोग किया जा रहा है उनके संबंध में जागरूकता ताकि महिलाएं स्वयं इसका विरोध करें और इस तरह की फेक रजिस्ट्रेशन ना हो। तीसरा जो इलोपमेंट के केसेस और सुसाइड के केसेस होते हैं, जो बच्चे घर से, अवैध बच्चे घर से भाग जाते हैं, उसमें किस तरह से माँ बाप और बच्चों के बीच में संवाद रहे उसको हमने इनकरेज किया। और तीसरा साइबर स्पेस पे महिलाएं और यंग लड़के भी किस तरह से सेफ रह सकते हैं इसको हमने उनको जानकारी और जागरूकता कराया और इसमें हमने बड़ा इंटेंस काम यूनिसेफ के साथ किया है और इसमें हमने एक टीम भावना से काम किया, बड़ी माइक्रो प्लानिंग होती है और जगह जगह तक ये हमने गांव गांव में जाकर पेनिट्रेट किया है और इसका असर ये हुआ है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन मेजर रूप से कम हुआ है और इसके साथ साथ जो जागरूकता आनी चाहिए महिलाओं में, समाज में, वो जागरूकता आज की डेट में हम देख रहे हैं और उनकी थिंकिंग बदल रही है और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से अब वो आगे सामने बढ़ रही। देखा जाता है जैसे अक्सर महिलाओं के साथ या छात्रा साथ गंभीर अपराध हो जाते हैं लेकिन वो अपराध दर्ज नहीं करा पाते किसी सामाजिक शर्म या लोकलाज के चलते, वो कितना चुनौतीपूर्ण होता है उस मूवमेंट को कन्विंस करना, एक पीड़िता को न्याय दिलाना? जी आपने एक बात सही की कि इसमें लोकलाज के भी इश्यूज महिलाओं में आ जाते हैं कि हम कैसे दर्ज कराएं और क्या दर्ज कराएं और एक स्टिग्मेटाइज महिला हो जाती है, पर हमने इस जागरूकता में यह भी फैलाने की का प्रयास किया कि जो अग्रेसर है, जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है उसके लिए ये एक्ट शेमफुल है और जो जो अग्रीव पार्टी है उसके लिए नहीं ये शेमफुल चीज है। जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है ही शुड बी शेमफुल और जो महिला है, जो विक्टिम है, उसके लिए पूरा समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमने उनको एक ये सिक्योर भाव दिया है कि यदि आपके पास, आपके साथ किसी तरह का क्राइम होता है तो आप निश्चित थाने पहुंचिए और अपनी परेशानी बताइए और उस पर इमिजिएटली वैधानिक कार्रवाई होगी। और आज की डेट में मैं ये आश्वासन के साथ कह सकती हूँ कि महिला संबंधी क्राइम मेरे जोन में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर उसकी रपट ना लिखी जा रही है।
एक शराब आगरा पर्यटन नगरी है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो एक सुरक्षित एहसास कराना विदेशी पर्यटकों को या ताज नगरी आपके लिए सुरक्षित है, उसके लिए कितनी मेहनत? ये कमिश्नरेट से संबंधित प्रश्न है, मैं अपने जोन के संबंध में ही बोल सकती हूँ। आगरा चूंकि कमिश्नरेट का भाग है तो ये कमिश्नरेट ही इस पर बता पाएंगे, पर जो पर्यटक पर्यटकों की आपने बात कही और श्रद्धालुओं की बात कही, तो मथुरा में भी देश और विदेश से कई लोग आते हैं, श्रद्धालु जो दर्शन के लिए आते हैं, और ऐसे ही हमारे और भी जनपदों में छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे पूजा स्थल हैं सभी कौम के, उनमें भी लोग आते जाते रहते हैं, पर हम पूरा अपना प्रयास ही रखते हैं कि हर तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए। एडीजी मैम हमारे साथ हैं अनुपम कुशल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किया है, और ये 8 दिवसीय है जो अभियान शुरू किया जाएगा महिला सुरक्षा के लिए, इसके जो आंकड़े होंगे वो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, सुखद होंगे, और जो पुलिस है पुलिस पूरी तरह से महिलाओं को उत्तर प्रदेश और आगरा जोन में सुरक्षित एहसास कराने का काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।